नमस्कार, स्वागत है आपका हिंदी खबर में। आपके साथ मैं हूं चित्रा सिंह और वक्त है बिग बुलेटिन का। आज दिल्ली आम आदमी पार्टी के लिए बहुत खुशी का दिन है, क्योंकि दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम यानी मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है, यानी 17 महीने के बाद वो जेल से बाहर आने वाले हैं। जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि जमानत नियम है और जेल अपवाद। आम आदमी पार्टी ने इसे सत्य की जीत बताया, तो पार्टी का कहना है कि बगैर सबूत सिसोदिया को जेल में डाला गया, उन पर लगे सारे आरोप बेबुनियाद हैं। तो बीजेपी ये कह रही है कि मनीष सिसोदिया को केवल बेल मिली है, मामले का आखिरी फैसला अभी आना बाकी है। हालांकि आम आदमी पार्टी के लिए तो खुशी का माहौल है, लेकिन बीजेपी को एक मौका जरूर मिल गया है तंज कसने का। इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। मनीष सिसोदिया जी 17 महीने जेल में रहने के बाद आज उनकी जमानत हुई है। इन्हें 17 महीने तक एक झूठे केस में फंसाकर जेल में रखा गया। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली। उन्हें 3 शर्तों पर जमानत मिल गई है। उन्हें 10 लाख रुपए का मुचलका भरना होगा। उन्हें 2 जमानतदार भी पेश करने होंगे। सिसोदिया को अपना पासपोर्ट सरेंडर करना होगा। उन्हें हर सोमवार को थाने में हाजिरी देनी होगी। जमानत मिलने के बाद दिल्ली की मंत्री आतिशी ने सत्यमेव जयते लिखा। वो रोने लगी और लिखा कि सच्चाई की जीत हुई है, दिल्ली के छात्रों की जीत हुई है। उन्हें इसीलिए जेल में डाला गया क्योंकि उन्होंने गरीब छात्रों को अच्छी शिक्षा व्यवस्था दी। संजय सिंह ने पूछा कि सिसोदिया के 17 महीने कौन लौटाएगा। आम आदमी पार्टी के नेताओं के साथ ज्यादती हुई है, ये तानाशाही पर जोरदार तमाचा है। एक झूठे केस में फंसाकर जेल में रखा गया। आज का दिन भारत के इतिहास में, भारत की शिक्षा व्यवस्था के इतिहास में जाएगा कि उस शिक्षा क्रांति के जनक की आज बेल हुई, आज सच्चाई की जीत हुई, शिक्षा की जीत हुई, दिल्ली के बच्चों की जीत हुई। ये सत्य की जीत हुई है। और मैंने जैसा पहले से कहा कि इस मामले में कोई भी तथ्य, कोई भी सत्यता नहीं थी। जबरदस्ती हमारे नेताओं को पकड़ पकड़ के जेल में रखा गया। मनीष सिसोदिया जी को 17 महीने तक जेल में रखा गया। क्या भारत के प्रधानमंत्री उनके जीवन के इन 17 महीनों का हिसाब देंगे? क्या भारतीय जनता पार्टी उनके इन जीवन के 17 महीनों का हिसाब देगी, जो शायद दिल्ली के स्कूलों को बनाने में काम आता, बच्चों को अच्छी शिक्षा देने में काम आता, जिंदगी के वो 17 महीने आपने जेल में डालकर बर्बाद किए मनीष सिसोदिया के। वही बीजेपी का कहना है कि मनीष सिसोदिया को जमानत मिली है, उनकी रिहाई नहीं हुई है, सभी को आखिरी फैसले तक रुकना चाहिए। आम आदमी पार्टी के जो नेता सत्यमेव जयते लिख रहे हैं, जरा पिछले हफ्ते के माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद अपने किए हुए वक्तव्य को पढ़ लें। कैसी बौखलाहट थी, किस तरह का उनका व्यवहार था। लेकिन हम ये जानते हैं कि शराब नीति घोटाले में मनीष सिसोदिया को बेल मिली है, और किसी भी अपराधी को बेल मिलना, वो अपराध मुक्त होना नहीं होता है। जांच अभी चल रही है, साक्ष्य कोर्ट के सामने आएंगे। अरविंद केजरीवाल हो, मनीष सिसोदिया हो या बाकी लोग हो, इन सब ने शराब नीति घोटाले में कमीशन खाई है, दलाली खाई है, और ये फैसला जनता की अदालत में सबके सामने होगा। माननीय मनीष सिसोदिया जी को आज जो ये बेल मिली है, ये एक प्रोसीजरल ऑर्डर है। सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्णय का तो भारतीय जनता पार्टी स्वागत करती है, लेकिन इतना जरूर कहेगी कि माननीय मनीष सिसोदिया जी की दिल्ली की जनता के प्रति और कोर्ट ऑफ लॉ में जवाबदेही बरकरार रहती है।
वहीं मनीष सिसोदिया 26 फरवरी 2023 से जेल में बंद थे। ट्रायल शुरू होने में देरी को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को सीबीआई और ईडी दोनों ही मामलों में जमानत दे दी। आम आदमी पार्टी के सांसद स्वाति मालीवाल ने ट्वीट किया कि मनीष जी की बेल से बहुत खुशी है, उम्मीद है अब वो लीड लेकर सरकार को सही दिशा में लेके चलेंगे। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने सिसोदिया की जमानत याचिका पर 6 अगस्त को फैसला सुरक्षित रख दिया था। समीक्षा चौधरी के साथ कंचन अरोड़ा, दिल्ली, हिंदी खबर। तो चलिए चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, विक्रमजीत पासी जुड़े हैं।